साल ऊपर, दो साल नीचे, 90 इयर्स हो गए दुकान के। हमारे यहाँ 120 तरीके की लस्सियाँ बनती है। अच्छा, 120 टाइप लस्सी हम बनाते हैं। बनारस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपको इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप अभी तक वो वाला हमारा जो एपिसोड है नहीं देखे हैं तो आप वो वाला एपिसोड देख कर आए तभी आपको ये समझ आएगा। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में नमो घाट तक कवर किया था, उसके बाद हम जाने वाले थे काशी विश्वनाथ मंदिर तक। चलिए, आज का वीडियो है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम अभी रिक्शा में बैठ गए हैं, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। गर्मी काफ़ी तेज़ है, आप मेरा हालत देख के अभी समझ रहे होंगे। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर है काशी विश्वनाथ, अंदर में फ़ोन अलाउड नहीं है। फिलहाल मंदिर के गेट पे पहुँचते हैं, फिर आप सभी से बात करते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित है। तो दोस्तों, हिंदुओं में इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम फाइनली काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर गाइस, बैग्स और फोन्स अंदर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट का एक है लॉकर टाइप का, यहाँ पे अपना सामान हम रखेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं अंदर दर्शन करने। दोस्तों, दर्शन जो है लगभग 2 घंटे के बाद फाइनली हमारा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो चुका है। फिलहाल अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर शाम को निकलेंगे। फिलहाल अभी हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे थे। उससे पहले गाइस, हमारे साथ रोज़ एक इंसिडेंट होता है। हम इस गली में हम लोग करीबन 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, और 3 दिन ही हम खोए हैं इस गली में। मतलब जब भी हम यहाँ से जाते हैं खो जाते हैं, हमें गूगल मैप का सहारा लेना ही पड़ता है। फिलहाल चलते हैं होटल। आज की शाम आखिरी थी हमारी बनारस में, और मैं आ गया था छत के टेरेस पे। दोस्तों, नज़ारा कुछ ऐसा था कि यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। खैर, आज की जो दिन है हमारा, ये आखिरी है बनारस में, तो हमें जो काफ़ी सारी शॉपिंग्स करनी थी और हमें बोट राइड से गंगा आरती देखना था। कुछ देर यहाँ पे बैठने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं घाट की तरफ। दोस्तों, शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बोट राइड करने के लिए। कल हम किए थे बोट राइड, जो हम उस तरफ गए थे जो सैंड बीच है वहाँ गए थे। आज हम बोट से जो है संध्या आरती देखेंगे, और जितने भी घाट से उसके दर्शन करेंगे। फाइनली हम जो है बोट पे बैठ चुके हैं। आज हम बोट से पूरा जितने भी घाट से शाम का व्यू देखेंगे, देखते हैं कैसा दिखता है, आप सभी को जरूर दिखाएंगे। मेरे साथ फिलहाल एक बार व्यू, भीड़ देखो यहाँ पे, आरती के लिए पूरा भीड़ यहाँ पे जमा हो चुका है। बट अब ऑलरेडी यहाँ पे जो है आरती का एंजॉय कर चुके हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बड़ा आरती वाला घाट, बोट जा रहा है, जो पानी टकरा रहा है सीधा बोट पे आ रहा है। पूरा पीछे से मैं गिला हो चुका हूँ फिलहाल, बट व्यू जो है गाइस पैसा वसूल व्यू है। आप जब भी अगर बनारस आओ, एक प्राइवेट बोट जरूर बुक करना, उससे शाम का जो इका घाट है उसको जरूर एक बार आप घूमना। दोस्तों, ये जो नज़ारा था सच में मन को मोह लेने वाला था। मैं जो हमारा बनारस ट्रिप है हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, शाम को जो बोट से घाटों का नज़ारा दिखता है उसको क्या ही बताया, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कैसा दिखता है। अगर आप बनारस आ रहे हो तो ये शाम का बोट राइड कभी मिस मत करना। ये बोट राइड जो है दोस्तों आपको ज़िंदगी के पूरा एंड तक आपको याद रहेगा, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा रहता है।
आप आ रहे हो तो ज़रूर एक बार शाम को पूरा घाट से बोट राइडिंग करना, एक अलग ही फीलिंग आता है। दोस्तों यहाँ पे हमने किसी को मुस्कुराते हुए देखा तो किसी को अपने को खोते हुए देखा। इसी बीच बोट वाले भैया से हमारी दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई हम दोनों के बीच। यहाँ पे लोग कब टाइम किस टाइम आते हैं, कितना भीड़ होता है, उनके घर परिवार के बारे में हमने जाना, उन्होंने हमारे बारे में जाना हम कहाँ से आए हैं। सच में उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। इसी के साथ हमारा एक घंटा का पूरा होता है, पता ही नहीं चलता। फिलहाल भैया ने जो बोट है वो घुरा लिया है, लगभग आधे घंटे से हम ट्रैवल कर रहे थे बोट के, और जो नज़ारा था वो मैं बयान नहीं कर सकता आप सभी से। आप जब भी एक बार बनारस आए तो इस चीज़ का आनंद ज़रूर लें। कल यहाँ हम लोगों ने आरती देखा था शाम का, अभी हम वहीं पर जा रहे हैं फिलहाल भैया, हम लोग वहीं पर डिबोट करेंगे। बोट से उतर चुके थे और दीदी को करना था शॉपिंग, बनारस आए और कुछ शॉपिंग नहीं किया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। शॉपिंग करते करते कभी हम उस दुकान जाते हैं, कभी उस दुकान जाते हैं, इसी का दोस्तों हमें भूख लगता है और हम पहुंच जाते हैं फलहारी मिष्ठान भंडार के पास और स्वाद लेते हैं इनकी मिठाइयों का। खैर गर्म गर्म मिठाई खाने के बाद हम फैसला करते हैं जो आज का हमारा बचा हुआ शाम है इसी हम मणिकर्णिका घाट पे स्पेंड करते हैं। और मिठाई के टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। होटल में थोड़े देर रेस्ट और कपड़ा चेंज करने के बाद हम आ जाते हैं गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के पास। दोस्तों फिलहाल अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, अभी मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट पे। दोस्तों सुबह में नमो घाट और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जितने भी घाट्स हैं वो देखने के लिए निकलते हैं, उसके बाद कुछ खा पी कर हम होटल पहुँच जाते हैं। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ मणिकर्णिका घाट पे। दोस्तों इस घाट पे आने का मेरा उद्देश्य ये था, मतलब इस घाट का मान्यता ये है कि इस घाट का जो आग है वो कभी बंद नहीं होता है, साल के 365 डेज एक आग जलते रहती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो दो दिन का बनारस ट्रिप है वो कंप्लीट होता है। कल की जो शाम होगी हमारी आखिरी होगी बनारस की, और कल का जो रात हमारा है वो ट्रेन में गुजरेगा। फिलहाल कल सुबह मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को मैं बनारस से सनराइज़ दिखा पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 4 बजे तक उठ जाऊँ तभी मैं आप सभी को मैं सनराइज़ दिखा पाऊँगा। फिलहाल कल सावन का पहला सोमवार है तो आप देख सकते हो कितना भीड़ है घाट पे। फिलहाल रात के 11:30 बज रहे हैं और भीड़ देख लीजिए आप। डिनर जो है मैंने कर लिया है, तो डिनर करने के बाद ही हम घाट पे चले आए देखने के लिए। गाइस इस घाट पे आने के बाद एक अलग ही शांति मिलता है, एक अलग ही पीस मिलता है। इस पे गाइस आप आओगे, इस घाट पे आओगे तो आप किसी अपने को देखोगे, अपने को खोते हुए बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक अलग सा मन को शांति भी मिलेगा और मन को डर भी लगता है कि क्या यही हमारा जीवन का अंत है। दोस्तों बनारस मेरा जो वीडियो है होप आप सभी को यहाँ तक अभी पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक अभी आप सभी को पसंद आया है तो नीचे जो आपको ए बी लाइफ मिलने का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा लीजिए और हमारे साथ जाइए। फिलहाल मेरे साथ है दीदी, चल जाए वह हम यहाँ पे 1.5 घंटे से थे, अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस। तो कल सुबह मैं आप सभी से मिलता हूँ। फिलहाल अब 1.5 घंटे से हम घाट पर ही थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो कल सुबह 4 बजे मैं आप सभी से मिलता हूँ। अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। आज दोस्तों मेरा है 3रा दिन बनारस में। फिलहाल आज है सावन का पहला सोमवार और मैं दीदी को लेकर जा रहा हूँ घाट पे, वो थोड़ा पानी चढ़ाई से दूर कर उसके बाद चलेंगे कहीं खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूर से भूख भी लगा हुआ है मुझे।
और सुबह का टाइम लैप्स आपको कैसा लगा? सुबह 4 बजे उठकर मैंने वो टाइम लैप्स शूट किया था, आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल हम निकलते हैं घाट की तरफ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं होटल से जो है बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ब्लू लस्सी वाले शॉप के पास, क्योंकि बनारस आए और उनकी लस्सी ना पिए तो क्या पिए भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके लस्सी के शॉप पे, वहाँ जाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों फिलहाल जो है हम ब्लू लस्सी शॉप के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं जितने भी लोग अब तक यहाँ पे विजिट किए हैं और सभी ने अपना एक फ़ोटो लगा कर यहाँ पे अपना एक निशानी छोड़ कर गया है। जितने भी लोग यहाँ पे विजिट किए हैं सभी ने एक फ़ोटो यहाँ पे छोड़ कर अपने निशाने यहाँ पे दर्ज करते हुए कि हाँ मैं भी विजिट किया हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है मेरा अपना अभी, तो मैं बस देख रहा हूँ। और फिलहाल इनका मैंने ऑर्डर दिया एक प्लेन लस्सी, वो लस्सी पीते हैं और आप सभी के साथ जो टेस्ट है वो शेयर करते हैं। साल ऊपर 2 साल नीचे 90 ईयर्स हो गए दुकान के। हमारे यहाँ 120 तरीके की लस्सियाँ बनती है। अच्छा 120 टाइप लस्सी हम बनाते हैं और उसमें हर तरीके के फल की, ड्राई फ्रूट की, प्लेन हर तरीके की लस्सी बनती है। अब आगे आप पूछिए क्या बताना होती है लस्सी 40 रुपए से नॉर्मल मैं जो खा रहा हूँ ये प्लेन लस्सी 40 रुपीज़ की है। इसके बाद 70, 80, 90, 120 रुपए की लस्सी बनाई जाती है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, समय देने अंकल जी से बात करने के बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों सच बताओ कि मैंने आज तक ऐसा लस्सी कभी नहीं पिया है और ये लस्सी का स्वाद जो है मुझे हमेशा याद रहेगा। कुछ देर बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हमारा जो बनारस सीरीज है यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों काफ़ी सारी यादें जो है हम बनारस से लेकर जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नई एक्सप्लोर किया, काफ़ी चीज़ हम सीख कर भी यहाँ से जा रहे हैं। तो जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा आप सभी से, मुझे पता है आपका बनारस काफ़ी खूबसूरत है पर हाँ इसे गंदा मत के और जगह जगह पान खाकर ना थूकें। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारा बनारस वाला ट्रिप काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वाला अगर जर्नी हमारा अच्छा लगा है तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। नीचे जो एबी लाइफ इंडिया का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी नए शहर के किसी नई गलियों में, तब तक के लिए जय हिंद।